सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे स्रोतों जी आया। रखड़ी वाले दिन तो लापता नौजवान को इस तरह मिली मौत की हर पास से छाया सोग। ताज़ा वड्डी खबर शुरू करने तो पहला जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैन तो वीडियो में वत्त वाल लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन है, उत्थे जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हाँ। संतोषी नगर नेड़े स्थित गांधी नगर की क्रिकेट ग्राउंड दियाँ झाड़ियों 20 साल नौजवान की लाश मिलना इलाके विच दहशत फैल गई। जिस नौजवान की लाश मिली वह एक दिन पहला तो अपने घरों लापता सी। हालांकि परिवारक मैंबरों को शक सी कि उन्होंने बेटे का कतल किया गया, जिस संबंधी पुलिस जाँच कर रही है। ASI रविंदर सिंह भट्टी ने दसा है कि मृतक की पछाण बादल सिंह उर्फ रिंकू पहलवान वजो हुई। उसके परिवारक मैंबरों ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि रिंकू स्कूल में पहलवानी करता सी पर कुछ सालों तो बुरी संगत में पैण कारण नशे कर लगा, जिस कारण उसका परिवार काफ़ी परेशान सी। रिंकू दी बुरी आदत कारण उसनू राजस्थान के एक सेंटर में इलाज लिए भेज दिता गया। लगभग 4 महीने उत्थे रहन दे बाद रखड़ी दे त्यौहार तो कुछ दिन पहला वो आया सी। रखड़ी वाले दिन रखड़ी बनवाउण तो बाद वो किसी व्यक्ति की एक्टिवा लैके घरों निकल गया। रात नूं घर ना पहुँचन दे परिवारक मैंबरों नूं चिंता हुई तो उन्होंने सारे दोस्तों के रिश्तेदारों के घर पता किया। इन्ना ही नहीं, वह वीरवार को थाना रामा मंडी में शिकायत भी दर्ज करवा के आए। शिकायत दर्ज करवाउण दे कुछ ही देर बाद उन्होंने थाने तो फोन आया कि गांधी नगर की क्रिकेट ग्राउंड में पहुँचो। जदों उत्थे पुजे तो अपने बेटे की लाश वेख के हक्के बक्के रह गए। ASI रविंदर भट्टी मुताबिक लाश में पोस्टमार्टम करवाने लिए सिविल हस्पताल रखवा दिता गया। रिपोर्टर आने तो बाद बनती कार्रवाई की जाएगी।